तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि क्वेंचन एम्परर को अपने चैंग पवेलियन के 1 लाख डिसाइपल 30 मिलियन पिल्स और कई सारे वेपन्स देने को तैयार होता है, जो सुनकर एम्परर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब दिखाया जाता है कि डावी डायनेस्टी की सेना इंपीरियल सिटी के दरवाजे पर खड़ी होती है। वही दरवाजे के ऊपर एम्परर, मास्टर लुटाई और क्वेंचन के साथ खड़े होते हैं, जो देखकर डावी डायनेस्टी का एक पर्सन आकर अपने जर्नल को बताता है कि इंपीरियल सिटी के लोग इस जगह पर सरेंडर करने को तैयार नहीं और वह यहाँ पर हमसे फाइट करना चाहते हैं। जो सुनते ही जर्नल बोलता है, तो फिर ठीक है, उन लोगों पर अटैक करके इंपीरियल सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो और रॉयल फैमिली के एक एक मेंबर को जान से मार दो। अब डावी डायनेस्टी के सभी सोल्जर्स इंपीरियल सिटी पर अटैक कर देते हैं। तभी इंपीरियल सिटी का दरवाजा खुलता है और इंपीरियल सिटी के अंदर से कई सारे सोल्जर्स उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब डावी डायनेस्टी का एक सोल्जर बोलता है, इंपीरियल सिटी के पास बस इतने ही सोल्जर्स मौजूद हैं, इन्हें तो हम काफी आसानी से मसल देंगे। जिसके बाद उस जगह पर वॉर स्टार्ट हो जाती है और अब सभी सोल्जर्स एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहीं डावी डायनेस्टी के सभी सोल्जर्स अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए इंपीरियल सिटी के सोल्जर्स पर अटैक कर रहे होते हैं, पर उन सोल्जर्स के आर्मर पर बस थोड़े बहुत स्क्रैच आ रहे होते हैं। वहीं जब इंपीरियल सिटी के सोल्जर्स डावी डायनेस्टी के सोल्जर्स को मार रहे होते हैं, तो उनके वेपन से डावी डायनेस्टी के सोल्जर्स के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अब इंपीरियल सिटी के सोल्जर्स काफी बुरी तरीके से डावी डायनेस्टी के सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वहीं एक जगह से खड़े एम्परर यह सब कुछ देख रहे होते हैं और अब वह क्वेंचन को थैंक्स करते हुए बोलते हैं, मास्टर, आपने हमें यह जो नए वेपन्स और आर्मर दिए हैं, यह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्वेंचन हंसता हुआ बोलता है, एम्परर, यह तो बस शुरुआत है। अगर आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे तो आपके सभी सोल्जर्स बस 6 महीनों के अंदर ही स्वान लेवल पर पहुंच जाएंगे। जो सुनकर एम्परर काफी हैरान होते हैं। अब एक सोल्जर भागता हुआ जाकर डावी डायनेस्टी के जर्नल को इन सब चीजों के बारे में बताता है, जो सुनकर डावी डायनेस्टी का जर्नल परेशान हो जाता है और बोलता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है। तभी वह सोल्जर उसे बताता है कि एक ही दिन में उनके 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और 1 लाख सोल्जर बुरी तरीके से घायल है, तो अब उन लोगों के पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। जो सुनते ही वह जनरल बोलता है, तो फिर अपनी आर्मी को रिट्रीट करो। यह सुनते ही वह सोल्जर एक हॉर्न बजाकर अपनी आर्मी को वापस बुलाने लगता है। अब उस हॉर्न की आवाज सुनते ही डावी डायनेस्टी के सभी सोल्जर्स पूरी तरीके से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यह देखकर इंपीरियल सिटी के सोल्जर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं यह सब देखकर डावी डायनेस्टी के जर्नल को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसके सामने मास्टर फुसिंगचैन आते हुए बोलते हैं, जर्नल जोंगजू, आखिर तुम्हें इस जगह से भागने की इतनी जल्दी क्यों है? तुमने तो अभी तक यहाँ पर फाइट किया ही नहीं, तो मेरे सामने आकर मुझसे दो दो हाथ करो। तभी एक सोल्जर बोलता है, जर्नल, यह पर्सन मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल पर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं। तभी जोंगजू हंसता हुआ बोलता है, मास्टर फुसिंगचैन, तुम तो स्टार एम्परर एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल हो, तो यहाँ पर एक टीचर वॉर में मुझसे फाइट करना चाहता है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम बस एक कमजोर से टीचर हो जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हो, तो तुम्हें यही काम करना चाहिए, ना कि तुम्हें वॉर में फाइट करने आना चाहिए। तो वापस यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मास्टर फुसिंगचैन बोलते हैं, आगे आकर मेरा सामना करो और थोड़ी ही देर में इस जगह पर पता चल जाएगा कि कमजोर कौन है। यह सुनते ही जोंगजू अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मास्टर फुसिंगचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और लगातार उन पर अटैक करने लगता है, पर मास्टर फुसिंगचैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेते हैं। अब जोंगजू अपने स्वॉर्ड से काफी तेजी से मास्टर फुसिंगचैन पर अटैक करता है, पर मास्टर फुसिंगचैन अपने स्पीयर का यूज करते हुए उसे पीछे धकेल देते हैं और बोलते हैं, सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे हराने के लिए इतनी पावर काफी नहीं। यह सुनते ही जोंगजू मास्टर फुसिंगचैन के ऊपर 1000 स्लैश टेक्निक का यूज करता है, पर मास्टर फुसिंगचैन अपने एक ही अटैक में उसके 1000 स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
अब मास्टर फूसिंग चैन का स्पीयर धीरे धीरे जोंगजू की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर जोंगजू डर जाता है और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस स्पीयर पर अटैक करता है, जिससे मास्टर फूसिंग चैन का स्पिरिट स्पीयर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब जोंगजू चैन की सांस लेता है। तभी मास्टर फूसिंग चैन हंसते हुए बोलते हैं, तो क्या तुम्हारी इतने में ही हालत खराब हो गई? तुम सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। और अब मास्टर फूसिंग चैन काफी तेजी से जोंगजू पर अटैक करने लगते हैं और लगातार उस पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। अब मास्टर फूसिंग चैन बोलते हैं, जोंगजू तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझ जैसे कमजोर टीचर को अपने एक ही अटैक में हरा सकते हो, पर इस जगह पर अपने 8 सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करने के बाद भी तुम मुझे नहीं हरा पाए, पर मैं तुम्हें अपने एक ही अटैक में हरा सकता हूँ। और यह बोलते हुए मास्टर फूसिंग चैन अपने स्पिरिट स्पीयर से जोंगजू पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर जोंगजू घबरा जाता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए स्पीयर को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।